नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्या लॉकडाउन जैसे हालात हो जाएंगे? क्या कोई दिल्ली में कहीं आ जा नहीं सकेगा? क्या किसी को रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट या फिर किसी जरूरी जगह पर आने जाने से रोका जाएगा? क्या उन 3 दिनों तक दिल्ली मेट्रो से भी यात्रा नहीं कर सकेंगे? क्या दुकानें अस्पताल खुले नहीं रहेंगे? असल में ये तमाम सवाल हैं जिनके बारे में दिल्ली के लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करके सब कुछ एकदम स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन जैसे हालात नहीं होंगे। इस दौरान दिल्ली में जरूरी किराने की दुकान और मेडिकल स्टोर बंद नहीं होंगे। आप अपने घर के आसपास जरूरी सामान भी खरीद सकेंगे। अगर आपको मेट्रो पकड़नी है या फिर एयरपोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके रास्ते में चेकिंग हो तो आपके पास इसके लिए सबूत होने चाहिए। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान की भारत मंडपम में आयोजित होगा। इस दौरान विदेशों के प्रतिनिधि भारत में होंगे। आपको बता दें कि 7 सितंबर से 11 सितंबर तक नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ यातायात नियम हो सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बिना किसी रुकावट के मेट्रो सेवाएं सुनिश्चित करने और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन कुछ नियमों के साथ उपलब्ध हों। इस दौरान NDMC के अधिकार क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को छोड़कर बाकी सामान्य यातायात पहले की तरह चलते रहेंगे। नई दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में सभी मेडिकल दुकानें, किराना और दूध बूथ, सब्जी फल की दुकानें खुली रहेंगी। जिस एरिया में G20 वाली सुरक्षा रहेगी उस एरिया में सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल कर्मियों, चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सकों को अपने निजी वाहनों के साथ साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करना होगा। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, ISBT तक यात्रियों की आवाजाही आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सभी सुविधाएं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी चालू रहेंगी। इस एरिया में परमानेंट रहने वाले लोगों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, वेस्ट मैनेजमेंट आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि यात्रियों को मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि सुबह 5 बजे से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ने व उतरने की अनुमति नहीं होगी। 9 सितंबर को रात 11 बजे तक ये स्थिति रहेगी। क्या दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर कोई प्रतिबंध रहेगा? ये सवाल भी आपके मन में जरूर होगा। तो सुरक्षा के आवश्यकताओं के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। 7 सितंबर से 11 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक परिवहन के कुछ तरीकों और सार्वजनिक परिवहन के कुछ मार्गों को संशोधित या स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। हवाई अड्डा, रेलवे, मेट्रो सेवाएं, अंतर्राज्यीय बसें और सिटी बसें, टैक्सियां हमेशा की तरह चालू रहेंगी। हालांकि कुछ जगहों पर रुकावट भी हो सकती है। सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि सुबह 5 बजे से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आना जाना बंद रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।